Hello everyone. I am very sorry for uploading this lecture a little late. So how are you all doing? I hope आपने मेरे पुराने lectures देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो please देख लीजिए. Partnership का ये second lecture है. आज हम वही unit 1 करने वाले हैं, continue करने वाले हैं. So last class मैंने आपको basics बताए थे of partnership की partnership होता क्या है, उसके elements हमने discuss किए थे, उसके features हमने discuss किए थे बहुत अच्छे से एकदम details में with examples. मैंने आपसे वो सारी चीजें discuss करी थी, ठीक है. आज हम lecture 2 start करने वाले हैं. So let us move on without wasting any time. और जिनको भी मेरे notes चाहिए वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकता है. एंड अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द क्लासेस दैट आई अपलोड. थैंक यू सो मच. लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ. तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था कि आपका ये पार्टनरशिप होता क्या है, राइट. हमने कुछ फीचर्स किए थे, एक बार जल्दी से वो गो थ्रू कर लेते हैं कि पार्टनरशिप में हमने क्या क्या किया था, व्हाट वर द फीचर्स. ओके, सो नाउ पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, राइट. ओके, सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप आपका एक रिलेशन है. ओके, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन. इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन. मैंने आपको बताया था कि रिलेशन है, रिलेशन कैसा, बिटवीन द पर्सन. कौन है वो पर्सन, ये भी हमने डिस्कस किया था. इट कैन बी एन आर्टिफिशियल एंड इट कैन बी अ नेचुरल पर्सन, राइट. हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, मैं जस्ट रिविजन करवा रही हूँ. हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. और मैंने क्या बोला था कि ऐसे कोई भी पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. हमारा एक बिजनेस होना पड़ेगा और उस बिजनेस का मेन मोटिव होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा मेन मोटिव? टू गेन, टू एक्विजिशन ऑफ द गेन्स. हमारा प्रॉफिट कमाने का मोटिव होना पड़ेगा. अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है और वो आपका प्रॉफिट नहीं कमाता है और बहुत सारे जन मिलकर उसको चला रहे हैं तो क्या उसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज उसका मोटिव प्रॉफिट गेनिंग नहीं है. तो अगर हमारा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन जिसका मेन मोटिव है क्या? टू अक्वायर गेन्स. अगर टू अक्वायर प्रॉफिट अगर वो है हमारा और उस प्रॉफिट्स को हम शेयर करते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये हमारा म्यूचुअल एजेंसी है, राइट. यू ऑल नो म्यूचुअल एजेंसी कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे का एजेंट है, सारे पार्टनर्स एक दूसरे का प्रिंसिपल है. अगर सपोज एक इंसान कोई काम करता है तो मतलब वो सबके बिहाफ में काम कर रहा है, राइट. ये हमने पढ़ा था. तो ये था हमारा म्यूचुअल एजेंसी. ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. जिसको भी डाउट है प्लीज मेरे वो लेक्चर को एक बार देख लेना. फिर हमने कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट. और आज मूव ऑन करते हैं विद द फ्रेश टॉपिक फॉर टूडे जो है हमारा एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टनरशिप. वॉट आर द एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टनरशिप? तो प्लीज लेट्स मूव नाउ. ये सारी चीजें आपके पार्टनरशिप में नहीं इन्वॉल्व इंक्लूड किए जाएंगे. वो क्या है? ज्वाइंट ओनर्स. नाउ व्हाट इज अ ज्वाइंट ओनर? आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम ज्वाइंट ओनर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है. तो प्लीज मेरी एक बात ध्यान से सुनो. ये आपका एक बिल्डिंग है. क्या है? दिस इज अ बिल्डिंग. ओके, दिस इज अ बिल्डिंग. नाउ इस बिल्डिंग को आपका ए ओन करता है एंड इसी बिल्डिंग को आपका बी ओन करता है, ठीक है. ए ने 50 लाख दिया और बी ने 50 लाख दिया. मिलकर ये दोनों ओन करते हैं, ठीक है. तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? को ओनर्स बोलेंगे. सवाल ये है कि क्या मैम इनको हम पार्टनर्स बोलेंगे क्या? पार्टनरशिप में बोलेंगे क्या? अब आपका आंसर मैं आपको देती हूं, आपको पता चल जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप का डेफिनेशन को अच्छे से समझा होगा तो. नाउ प्लीज टेल मी, इज देयर एनी बिजनेस हियर? क्या कोई भी बिजनेस हो रहा है यहाँ पे? कोई भी बिजनेस नहीं ना? नो, कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा. कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, नहीं हो रहा है. कोई भी तरीके का म्यूचुअल एजेंसी है क्या? नहीं, वो भी नहीं है. कोई भी तरीके का म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं. सिंपल, आपका आंसर एकदम सिंपल है. तो ज्वाइंट ओनर्स को हम पार्टनरशिप नहीं कहते हैं. आपको समझ में आ गया? ज्वाइंट ओनर्स को हम पार्टनरशिप कभी भी नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कहते? कॉमन सेंस आपको एकदम क्लियर है ना. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल नंबर वन है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है ना. क्लॉथ मर्चेंट है,
वो सेल करना चाहता है, सेल करना चाहता है अपने गुड्स को, अपने कपड़ों को बेचना चाहता है। मैं उनके पास आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए उनके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सेलिंग में हेल्प करूंगा, क्या करूंगा, सेल करने में मैं तुमको मदद करूंगा, जितना भी सेल होगा ना उसका 10% कमीशन तुम मुझको देना, जितना भी सेल होगा उसका 10% कमीशन तुम मुझको दे देना। ठीक है, समझ में आया? नाउ प्लीज टेल मी, 10% कमीशन तो उसने मांगा, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये 10% कमीशन वो कहां से देगा? वो अपने प्रॉफिट्स में से तो देगा ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग एक इनडायरेक्टली तो हो रहा है। क्या हम इसको पार्टनरशिप कह देंगे? विल वी कॉल इट अ पार्टनरशिप? क्या हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे पार्टनरशिप। क्यों? भले ही हम प्रॉफिट्स में से एक थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं एज अ कमीशन, भले ही हम एक प्रॉफिट को इनडायरेक्टली शेयर कर रहे हैं, राइट, बट स्टिल देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। क्या हम इस क्लॉथ मर्चेंट का लॉस को शेयर कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? क्या हम 10% लॉस भी मांग रहे हैं? क्या उससे नहीं मांग रहे? हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिका तो, अगर ये सेल होगा तो, अगर कंटिंजेंसी है, अगर ये बिकता है तो हम आपको, तो आप मेरे को 10% कमीशन दोगे। सो दिस इज नॉट योर पार्टनरशिप, गॉट इट? ये आपका पार्टनरशिप नहीं है। तो यहां देखो, शेयर्स और पेमेंट इज रिसीव्ड बाय लेंडर ऑफ मनी, कोई मनी लेंडर है, किसी से आपने लोन लिया है, उसको आप रिपेमेंट कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, तो क्या हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे? या कोई आपसे लोन ले रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, क्या हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, वो तो लोन ले रहा है ना, वो तो एक लोन की तरह चला जाएगा, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। देन अ विडो और अ चाइल्ड और डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युटी। अब प्लीज यहां पे समझना, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज समझना, क्या बोल रही हूं मैं आपको, सॉरी। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप है, ठीक है ना, देयर इज अ पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, ठीक है। फिर क्या होता है, सी डाइज, सी का डेथ हो जाता है, ठीक है ना। अब सी ने एक अग्रीमेंट किया था, सी ने एक अग्रीमेंट किया था किसके साथ, सी ने ए एंड बी के साथ एक अग्रीमेंट किया था कि मेरे मरने के बाद जितना भी हर महीने, एवरी मंथ तुम क्या करना, मेरे मरने के बाद एवरी मंथ मेरी वाइफ को और मेरे चिल्ड्रन को पैसे देना, अराउंड 50K हर महीने दे देना, ठीक है ना। ये अग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड किया गया था कि कोई भी पार्टनर अगर मरेगा तो हर महीने वाइफ एंड चिल्ड्रन को एज एन इंश्योरेंस वो दिया जाएगा, 50,000 दिया जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या इसको वाइफ एंड चिल्ड्रन को हम पार्टनर्स बोल दें? क्या वाइफ एंड चिल्ड्रन को हम पार्टनर्स बोलेंगे? क्या ए बी और इन दोनों को हम पार्टनरशिप बोलेंगे? क्या ए बी और इन दोनों को हम पार्टनरशिप में, एक दे आर इन अ पार्टनरशिप, विल बी कॉल दैट? क्या हम एक वो बात बोलेंगे, पार्टनरशिप में है ऐसा कुछ बोलेंगे? नो, वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट अ पार्टनरशिप। व्हाई? बिकॉज यहां पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यहां पे सिर्फ बेनिफिट्स शेयर करने की बात की गई है, यहां पे एक तरीके से एन्युटी शेयर करने की बात की गई है हर महीने, लेकिन कोई भी हिसाब का म्यूचुअल एजेंसी यहां नहीं है, कोई भी हिसाब का यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, वाइफ एंड चिल्ड्रन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट इन द बेनिफिट्स, कि वो हर महीने एक तरीके का एन्युटी लेके चले जाएंगे, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, इन एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इन एनी काइंड ऑफ लॉसेस, नथिंग। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। वेरी इंटरेस्टिंग, अब इसका सुनना अच्छे से, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें, इसमें क्या कहते हैं? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, दिस इज बिजनेस ऑफ ए, ठीक है ना। ए ने 10 years काम किया, ए ने 10 years काम किया और बहुत सारा गुडविल कमाया, बहुत ब्रांड हो गया इसका काम का ना, इसका बिजनेस का बहुत अच्छा ब्रांड नेम हो गया, ठीक है ना, अ वेरी गुड ब्रांड नेम, ही क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्रांड नेम आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 10 years, ओके। नाउ ये अपना बिजनेस को सेल कर रहा है टू बी, ये अपना बिजनेस को सेल कर रहा है टू बी, अब बी तो उसको खरीदेगा, बी विल एंजॉय द गुडविल, बी गुडविल को एंजॉय करेगा, इजंट इट।
तो ए ने कहा कि तुमको मैं 10 इयर्स का बना बनाया एक बिजनेस दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, तो मुझे इस गुडविल के बदले कुछ तो मिलना चाहिए ना। इस गुडविल के बदले जो मैं 10 इयर्स कमा के बनाया हूँ तुमको फ्री में मिल रहा है, वो कंसिडरेशन तो मुझको चाहिए। तो बी क्या करता है, इस गुडविल के बदले में इसको एक कंसिडरेशन देता है। क्या देता है, पे करता है फॉर अराउंड 50 लाख्स पे और कर देता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द लाइबिलिटीज एंड ऑल द एसेट्स का जो कंसिडरेशन है उसके अलावा गुडविल के नाम पे इसको और अलग से 50 लाख्स पे करता है। कहता है कि तुम 10 साल काम करके तुमने इतना गुडविल कमाया है तो लो 50 लाख और ले लो। समझ में आया मेरी बात? तो ये 50 लाख्स जो है इसको क्या हम पार्टनरशिप बोल देंगे क्या? ये दोनों पार्टनरशिप में नहीं, ये सिर्फ एक कंसिडरेशन माना गया है, ये सिर्फ बिजनेस सेल करने के टाइम पे जो कंसिडरेशन का हिस्सा माना गया है। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? नॉट अ पार्टनरशिप, क्लियर? तो इजी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ आपने देखा कि कौन सा आपका पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, विच वी विल नॉट कॉल अ पार्टनरशिप। तो ज्वाइंट ओनर्स को नहीं बोलेंगे, शेयर ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अ लेंडर ऑफ मनी, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्युइटी, प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। गुडविल को बेचने के लिए तुमने जो मेरे को गुडविल दिया है उसके बदले अगर मैं तुमको पैसा देती हूँ तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा कंसिडरेशन होगा और उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू क्वेश्चंस। नाउ एक्स अग्रीज, एक काम करते हैं इसको थोड़ा लास्ट में करते हैं, ठीक है? थोड़ा और समझा देती हूँ फिर हम इसमें मूव ऑन करेंगे। ट्रू टेस्ट समझा देती हूँ फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट। नाउ पार्टनरशिप का एलिमेंट्स आप समझ चुके हो कि पार्टनरशिप होता क्या है, उसका एलिमेंट्स क्या है, उसका फीचर्स क्या है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में जानना है पार्टनरशिप क्या है, तो क्या हम सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देख के मान लेंगे क्या वो पार्टनर है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको कहा था कमीशन लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उन सारी चीजों में आपका प्रॉफिट शेयर होता है। क्या उसको देख के सिर्फ हम बोल दें पार्टनरशिप? नहीं ना, नहीं बोल सकते ना। हमारा मेन टेस्ट क्या है, ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप को डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट इज अ पार्टनरशिप और नॉट, ट्रू टेस्ट क्या है, वो है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। क्या है वो? वो हमारा म्यूचुअल एजेंसी है, विच इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना? ये आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। तो जल्दी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट, ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट्स और नॉट, ठीक है ना? रिसीट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट, जैसे अगर सामान बिक गया तो 10% कमीशन मेरा, कंटिंजेंट है ना कि अगर सामान बिक गया तो फिर मैं तुमको प्रॉफिट, तो फिर तुम मुझे प्रॉफिट देना, तो ये सारी कंटिंजेंसी है ना। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा पार्टनरशिप। इट इज जस्ट अ फीचर, इट इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। मेरी बात समझ में आ गई? वी विल सी द म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट विच इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम देखेंगे। अगर हमको डिसाइड करना है तो हम म्यूचुअल एजेंसी वाला चीज को देखेंगे। तो आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है? देयर इज अ अग्रीमेंट। अब आपको लिखना है, ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं अपने आंसर में, ठीक है ना? तो प्लीज देखो, अगर आपका पार्टनरशिप में देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्संस कंसर्न्ड, सारे पर्सन के बीच में अग्रीमेंट है, हाँ है। द अग्रीमेंट वॉज टू, और अग्रीमेंट क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयर करने का है, हाँ है, बहुत बढ़िया बात। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ इन दोनों से नहीं होगा, ये तो चाहिए ही, द बिजनेस वॉज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जो बिजनेस हम कैरी करेंगे वो कोई एक इंसान हम सबकी तरफ से कर सकता है या फिर सारे जने मिलके कर सकते हैं, डजंट मैटर। बिजनेस में अग्रीमेंट होना चाहिए कि कोई भी एक इंसान करे तो भी चलेगा, 10 जन करे तो भी चलेगा, बस हम सब पार्टनर्स हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर ये वाला चीज अगर आपके उस अग्रीमेंट में मौजूद है तो हम उसको पार्टनरशिप कह देंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, देर इज अ केस स्टडी। ओके, देर इज अ केस स्टडी ऑफ शांति, आयो, देर इज अ केस स्टडी ऑफ शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेज दस्यारन मजूरल मुर्जामुल। आई ऑलवेज प्रोनाउंस दिस नेम रॉन्ग, मुर्जामुल। ओके, ये एक केस स्टडी है। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ यू था कि टू पार्टीज थे, दो पार्टी थी, एक पार्टी ए फॉर एग्जाम्पल और एक पार्टी बी थी, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता था, ए पार्टी ना सेल ट्रेडर था, एक
एक तरीके से ट्रेडर था। वो क्या करता था, वो इससे बहुत सामान लेता था। वो इससे क्या करता था, ही यूज टू टेक गुड्स फ्रॉम हिट, हर कुछ कुछ दिनों में कुछ कुछ सामान लेता था और बेचता था, ठीक है ना। तो इससे क्या करता था, सामान लेता था, गुड्स लेता था और फिर ये क्या करता था, सेल करता था या जो भी करता था, मतलब इससे सामान लेता था। तो इस तरीके से बहुत दिन तक चले गए। फिर उसने क्या किया, इसने इसको बिल भेजा। क्या भेजा, बिल भेजा ऑफ ₹10,000 फॉर एग्जाम्पल, कि भाई साहब आपने जो मेरे से सामान लिया था ना, तो उसका बिल बनता है ₹10,000, ठीक है ना। तो ये देख के घबरा गया कि ₹10,000 इतना कैसे बन गया, भाई तुम मेरे को दिखाओ, पेपर्स दिखाओ। तो इसने बोला कि मुझे शो करो, शो मी योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो करो, ताकि मैं देख सकूं कि ये 10,000 आया कहां से, इतना पैसा कहां से हो गया, इतना सामान तो मैंने नहीं लिया था। तो बी ने कहा कि आई विल नॉट शो यू, बी रिफ्यूज्ड, बी ने रिफ्यूज कर दिया टू शो, ठीक है ना। फिर कोर्ट केस में गया, ये केस कोर्ट में चला गया, इसने कोर्ट में केस किया। कोर्ट बोलता है, कोर्ट में जाके इसने बोला कि भाई साहब हम एक तरीके से पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। इसने क्या बोला कि भाई साहब हम एक तरीके से पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो पार्टनरशिप है तो मुझे इसको बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने को, है ना, क्योंकि मैंने इससे सामान लिया, मैंने वही सामान बेचा, इसको भी तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको पैसा तो दे ही रहा हूं, तो उस तरीके से मुझे इसको बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने की ₹10,000 बने तो बने कैसे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा कि आपका पार्टनरशिप है, बोला हाँ है, बोला ठीक है एक काम करो मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, बोला हमने रजिस्टर नहीं कराया पार्टनरशिप, हमने रजिस्टर नहीं करवाया, ओरली था तो ये तो अलाउड है ना, पार्टनरशिप ओरली तो हम कर सकते हैं, हाँ चलो ठीक है। तो उसने कहा कि ओरली पार्टनरशिप हमने किया था, बात ठीक है चलो बांध लिया। फिर बोला आपने कोई बैंक अकाउंट तो क्रिएट किया होगा, है ना, अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो आपने कोई बैंक अकाउंट तो क्रिएट किया होगा। तो उसने कहा नहीं भाई साहब हमने कोई बैंक अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो उसका बैंक अकाउंट भी नहीं था। बोला चलो ठीक है आपने अगर जॉइंट में बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपने किसी डेप्यूटी ऑफिसर को, कोई भी डेप्यूटी ऑफिसर को आपने इन्फॉर्म किया होगा अबाउट द पार्टनरशिप। तो इसने कहा नहीं भाई साहब कोई भी डेप्यूटी को हमने इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो इन्फॉर्म भी उसने नहीं किया। तो फिर कोर्ट ने कहा चलो कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है आप दोनों के बीच में, जो ट्रेडिंग हो रहा है, जो पार्टनरशिप चल रही है, उसका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, तो चलो वही दिखा दो। तो बोलता नहीं भाई साहब वो भी नहीं है, है ना। तो ए के पास बी के पास कुछ भी नहीं था टू प्रूव कि उनका कोई भी तरीके से पार्टनरशिप चल रहा है। देखो रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना जो प्रूव करे कि पार्टनरशिप चल रहा है उनका। ऐसे कोई भी आके बोल देगा कि मेरा एकता मैम के साथ पार्टनरशिप था, कौन सा पार्टनरशिप इसे। तो देखो कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा आपने रजिस्टर नहीं करवाया कोई बात नहीं था, लेकिन सिंस आपका कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास कि पार्टनरशिप है, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यू आर नॉट लायबल टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अनदर पर्सन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन यू टू। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी उनका नहीं था कि लिखे में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे नहीं था। नो अकाउंट्स मेंटेन्ड फॉर ओपन इंस्पेक्शन, कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं था उनका। नो बैंक अकाउंट वॉज ओपन्ड, कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला था। नो रिटन इंटीमेशन और टू डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर प्रोक्योरमेंट अबाउट द न्यूली ओपन्ड पार्टनरशिप। डेप्यूटी डायरेक्टर को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया था कि भाई साहब हमारा पे पार्टनरशिप चल रहा है, किसी को बताया नहीं गया था। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ये हेल्ड देयर वॉज नो पार्टनरशिप। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये केस स्टडी भी थोड़ा समझ लेना कि क्या बोल रहा है। ओके सो देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको, आई विल जस्ट कंटिन्यू दिस वे ओनली, ओके गाइज, आई विल जस्ट कंटिन्यू, ओके। आई होप डोंट लुक एट माई फेस, यू डोंट नीड माई फेस ऑल्सो, आई विल जस्ट कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट क्या था आपका, डिफरेंसेस, कि डिफरेंसेस कैसे। अब ये वाला चीज हमारा हो गया, आप समझ गए कि पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है वगैरह वगैरह, यू ऑल अंडरस्टूड दिस इजंट इट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, I'm just checking if it's still recording or not. Okay.
तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं अभी तक आपको जितना पार्टनरशिप के बारे में बेसिक्स बताई हूं, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। नाउ प्लीज सी दिस क्वेश्चन। एक्स अग्रीज विथ वाई टू कैरी पैसेंजर्स बाय टैक्सी फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। एक्स ने क्या किया, एक्स ने वाई की बात मानी। एक्स के पास एक कार था, वाई ने इसको बोला कि क्यों ना तुम टैक्सी की तरह इसको यूज करो और दिल्ली टू गुड़गांव हम लोगों को ट्रैवल करवाए। तो एक्स ने बोला ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा आइडिया दिया आपने। लेकिन उसने बोला कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशंस? वाई इज टू पे एक्स रुपीज 100 पर माइल। वाई को क्या पे करना पड़ेगा? रुपीज 100 पर माइल उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? रुपीज 100 पर माइल। तो वाई के साथ उसने कंडीशन किया, कंडीशन क्या था? रुपीज 100 पर माइल उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या था कि एक्स एंड वाई दोनों मिलके रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट का खर्चा उठाएंगे, दोनों मिलके ये वाला कॉस्ट को उठाएंगे। अगर कोई भी रिपेयरिंग होता है आगे से या रिप्लेसमेंट का खर्चा आता है, दोनों मिलके उसको करेंगे। और क्या हुआ था, जो भी प्रॉफिट्स होगा ना वो दोनों मिलके डिवाइड करेंगे आपस में, राइट? दोनों मिलके डिवाइड करेंगे आपस में। तो ये सारी बातें उनके उनके बीच में डिसाइड कर ली गई थी। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस अ पार्टनरशिप? क्या ये आपका पार्टनरशिप है? क्या इज दिस अ पार्टनरशिप? क्वेश्चन आपका यहां है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, अपना जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसी को हम रिप्ले करेंगे। नंबर वन, क्या यहाँ पे बिजनेस है? क्या हाँ मैम बिजनेस है? क्या यहाँ पे टू पर्सन इन्वॉल्व है? क्या हाँ मैम है? क्या यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी डिवाइड हो रहा है? क्या हाँ मैम हो रहा है? क्या म्यूचुअल एजेंसी है? हाँ, लेकिन मैम उसको देखेंगे कैसे कि म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है? अरे है ना, देखो 100 रुपीज पर माइल वो देगा, वाई देगा ना, मतलब वाई भी इन्वॉल्व हो रहा है खर्चे में, फिर वो रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देगा ना, तो वाई भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। भले ही टैक्सी, भले ही कार एक्स की है, लेकिन उसके बदले में वाई भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, फिर दोनों मिलके इस बिजनेस को चला रहे हैं, तो म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए यस दिस इज अ पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस दिस इज अ पार्टनरशिप। क्लियर? या ये एकदम क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, आई थिंक आज आपको ऐसे ही क्लास देखना पड़ेगा। ओके सॉरी, चलो नेक्स्ट क्या है? एक्स एंड वाई आर को ओनर्स ऑफ द हाउस लेट आउट टू अ टेनेंट। एक्स एंड वाई क्या है? को ओनर्स है ऑफ अ हाउस लेट आउट टू अ टेनेंट। एक्स एंड वाई डिवाइड द नेट रेंट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंसिडेंटल टैक्सेस एक्सेट्रा बिटवीन देमसेल्फ। इज दिस अ पार्टनरशिप? इज दिस अ पार्टनरशिप? अब जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या ये पार्टनरशिप है? यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको समझाती हूं। देखो, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे एक हाउस है। प्लीज इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे एक हाउस है, ठीक है? ये हाउस दोनों जन ओन करते हैं, ए और बी ओन करता है, ठीक है ना? और इन दोनों ने इसको एक टेनेंट को दे दिया रेंट पे, ठीक है ना? अब क्या ये पार्टनरशिप है? क्या, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, इज देयर एनी बिजनेस हियर? क्या कोई भी बिजनेस चल रहा है यहाँ पे? आप बोलोगे मैम रेंट पे दिया है, बिजनेस ही तो है। क्या ये बिजनेस है? क्या ये एक जन को रेंट पे देने से हम इसको बिजनेस बोल देंगे क्या? नहीं, ये लोग सिर्फ को ओनर्स है, दे आर जस्ट को ओनर्स जिन्होंने रेंट पे दिया है। यहाँ पे कोई भी तरीके का बिजनेस नहीं है, कोई भी तरीके का म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। अगर ए चाहे तो अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता है, बी चाहे तो अपना हिस्सा किसी और को बेच सकता है, कोई भी तरीके का म्यूचुअल एजेंसी नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है कोई। नो बिजनेस एट ऑल, नो बिजनेस, कोई बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्लियर? लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे मूव करते हैं, देन आई विल कंटिन्यू विद द डिफरेंसेस जो है आपकी बुक में। नाउ एक्स एंड वाई ओनर्स ऑफ द हाउस यूज द हाउस एज अ होटल मैनेजर। अब इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई है, ये दोनों मिलके एक हाउस को ओन करते हैं,
ठीक है, एक हाउस को ओन करते हैं, ठीक है, को ओनर्स हो गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस हाउस को होटल में कन्वर्ट किया, होटल में कन्वर्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पे इन लोगों ने एक मैनेजर भी रखा है, हो सकता है मैनेजर रखे या फिर खुद से चलाए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट दे हैव कन्वर्टेड दिस हाउस इन टू अ होटल। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, और इस होटल से ये लोग कॉमन प्रॉफिट शेयर करेंगे, इस होटल से ये लोग कॉमन प्रॉफिट शेयर करेंगे। नाउ प्लीज टेल मी, इज दिस अ पार्टनरशिप? देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, पहले वाला टेनेंट वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इज दिस अ पार्टनरशिप? यस, दिस इज अ पार्टनरशिप। व्हाई इज दिस अ पार्टनरशिप? बिकॉज सबसे पहला चीज, ये होटल जैसे ही आ गया ना, मतलब यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया और एक कॉमन प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, म्यूचुअल एजेंसी भी स्टार्ट हो गई। तो म्यूचुअल एजेंसी भी स्टार्ट हो गई, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, तो आपका ये पार्टनरशिप कहलाएगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई बाय 200 बेल्स ऑफ कॉटन अग्रीइंग टू शेयर द सेम बिटवीन देम। एक्स एंड वाई, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं और आप है, हम दोनों बहुत सारे फ्रूट्स लेके आते हैं घर में खरीद के, और जाते जाते आधा आधा आप ले जाते हो घर, आधा मैं अपने घर ले जाती हूँ, तो क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, कॉमन सेंस, राइट? वैसे ही एक्स एंड वाई ने 200 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदा है और अग्रीम टू शेयर द सेम बिटवीन देम, और 200 में से 100 एक्स ले जाएगा, 100 वाई ले जाएगा, क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नो, नॉट अ पार्टनरशिप, इसको भी हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्लियर? नहीं कहेंगे, समझ में आ गया आपको? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज देखो। एक्स अग्रीज विथ वाई अ गोल्ड स्मिथ टू बाय एंड फर्निश गोल्ड टू वाई, टू वाई टू बी वर्क अप ऑन हिम। मतलब क्या किया, एक्स ने वाई के साथ एक डील करी, एक्स ने कहा कि मैं तुमको गोल्ड लाके दूंगा, तुम उसको अच्छे से पूरा फर्निश करना, और फिर हम उसको बेचेंगे, वी विल सेल देम, और फिर जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको हम बांट लेंगे, प्रॉफिट या लॉस को हम शेयर कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक्स ने वाई के साथ डील किया कि मैं तुमको गोल्ड लाके देता हूं, तुम उस गोल्ड को अच्छे से फर्निश करो, उसको अच्छे से वर्क करो उस पे, फिर हम उसको बेच देते हैं, और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा दोनों को हम बांट लेंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बारे में बात हुआ, एक तरीके से ये बिजनेस के बारे में बात हो रहा है, तो क्या इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे? यस, इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे, दिस इज अ पार्टनरशिप। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव इट ऑन द कॉमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई अग्रीज टू वर्क टूगेदर एज अ कार्पेंटर्स, ठीक है ना, बट एक्स शैल रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड शैल पे वेजेस टू वाई। अब मेरे को बताओ, इज दिस अ पार्टनरशिप? इज दिस अ पार्टनरशिप? बहुत ईजी है, आगे कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है, यहां पर आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है? इंप्लॉई इंप्लॉयर का रिलेशन दिख रहा है बाय दिस वर्ड। ये वर्ड जैसे ही आ गया, यहां पर आपका इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशन दिखता है आपको, दिखता है ना, इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशन दिखता है ना, तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, है ना, नॉट अ पार्टनरशिप, नॉट अ पार्टनरशिप। इजी, समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ शिप, सिंपल एज दैट। इज दिस अ पार्टनरशिप? नो, जॉइंट ओनर्स है, कोई बिजनेस है, कोई म्यूचुअल एजेंसी है? नहीं, तो नॉट अ पार्टनरशिप। एक्स अ पब्लिशर अग्रीज टू पब्लिश एट हिज ओन एक्सपेंस बुक रिटन बाय वाई। मतलब एक्स क्या है, पब्लिशर है, उसने कहा मैं अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंस पे मैं तुम्हारी बुक, इसकी बुक वो पब्लिश करेगा, ठीक है ना, अपने एक्सपेंस पे, और जितना प्रॉफिट आएगा उसका हाफ वो वाई को दे देगा। तो अब मुझे बताओ, इज दिस अ पार्टनरशिप? क्या इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे? इज दिस अ पार्टनरशिप? क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नो, नो, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बिजनेस तो भले ही आपको दिख रहा है कि ये पब्लिश करेगी और इसको आधा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन इसने क्या लिखा कि एट माय ओन एक्सपेंस, मतलब सारा लॉसेस ये अकेले बेयर करेगी। म्यूचुअल एजेंसी है क्या? इज देयर एनी म्यूचुअल एजेंसी हियर? नो म्यूचुअल एजेंसी, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एट हिज ओन एक्सपेंस। तो फिर खाली वाई क्या कर रहा है? खाली बेनिफिट ले रहा है बुक छपवाने का। तो यहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग जरूर हो रहा है, बट आपका पार्टनरशिप हम इसको नहीं कहेंगे। क्लियर? यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एवरीथिंग। लेट्स मूव ऑन फर्दर विद डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। इट इज वेरी इजी, प्लीज इसको ध्यान से समझना। अभी मैं आपको क्लास में जो पढ़ाऊंगी, आप सिर्फ सुनोगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, जस्ट बाय लिसनिंग एवरीथिंग दैट आई से यू विल रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट आई हैव सेड यू। तो पार्टनरशिप का मैं यहां लिखती हूं और कंपनी का यहां लिखती हूं। चलो,
Now, company ka legal status kya hai? What is the legal status of a company? Does a company have a... नहीं पार्टनरशिप का यहां लिख रही हूँ ना सॉरी डज अ पार्टनरशिप हैव लीगल स्टेटस लीगल डिफरेंट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है क्या उसका नहीं ना तो पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता तो लीगल स्टेटस में क्या लिखोगे आप लीगल स्टेटस क्या है नॉट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी राइट नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा लेकिन इसका है ना इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है Has separate legal identity, right? इसका है और इसका नहीं है right? चलो next point क्या है agency. अब mutual agency exist करता है यहां पर yes ma'am. यहां पर mutual agency exist करता है लेकिन क्या यहां पर mutual agency exist करता है क्या यहां पर एक partner सबका agent है लेकिन क्या यहां पर members सबका agent है क्या नहीं No mutual agency. Members are not agents of others. किसी और का एजेंट वो लोग नहीं होते हैं राइट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट पार्टनरशिप में अगर आपकी प्रॉफिट होती है तो वो प्रॉफिट का क्या करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है ना कंपल्सरी है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी क्या है कंपल्सरी है लेकिन क्या हम वही चीज कंपनी के लिए कह सकते हैं नहीं मैम कंपनी को हम डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं हम प्रॉफिट्स नहीं बांटते हम सारा एसेट्स को या जितना भी चीज है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम दे देते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं देते हम क्या देते हैं डिविडेंड देते हैं तो हम क्या देते हैं डिविडेंड इज शेयर्ड डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड राइट डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर तो यहां पे आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करता है नो म्यूचुअल एजेंसी फिर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कंपल्सरी यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्या इतना ये थ्री पॉइंट्स आपको समझ में आया एकदम अच्छे से लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ और भी पॉइंट्स है जल्दी जल्दी देखते हैं ना और क्या क्या पॉइंट्स है यहां पर पार्टनरशिप का लिख रही हूं और यहां पर मैं कंपनी का क्लियर नाउ और क्या क्या पॉइंट्स है लाइबिलिटी अच्छा पार्टनरशिप में लाइबिलिटी बताइए भाई साहब लाइबिलिटी क्या है लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपका अनलिमिटेड है पार्टनरशिप में राइट अनलिमिटेड है लेकिन कंपनी में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा कि लाइबिलिटी आपका क्या हो सकता है कंपनी में लाइबिलिटी क्या इज लिमिटेड अगर आपका बाय शेयर है लिमिटेड बाय शेयर है तो लिमिटेड बाय शेयर होगा गारंटी भी होता है कभी कभी राइट और अगर अनलिमिटेड कह देते हैं अगर आपके मेमोरेंडम में अगर आपके मेंबर्स अग्री करते हैं टू एन अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड भी पॉसिबल है लेकिन बेसिकली अनलिमिटेड ही होता है आपका कंपनी ठीक है ना ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी अच्छा अगर आपका एक जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है क्या वो हम सबका प्रॉपर्टी मान लेंगे क्या पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है क्या वो हम सबका प्रॉपर्टी मानेंगे यस मतलब कि property of the firm is what is joint estate का मतलब joint property होता है किसका of all the partners है ना आपको पता ही है क्योंकि partnership और partners अलग अलग नहीं है दोनों का separate legal identity नहीं है लेकिन company में हमने पढ़ा था कि company का property company का है shareholder आके ये नहीं बोल सकता कि ये company का property मेरा है last में जब wind up होता है तो assets जब distribute किए जाते हैं तो उसको बेच के जो पैसा आता है वो सारे shareholder को मिलता है That is true. लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप बोलो आज कंपनी का प्रॉपर्टी पे हक आप नहीं जता सकते अगर आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा है तो उसके प्रॉपर्टी पे आप अपना हक नहीं जता सकते तो कंपनी का प्रॉफिट इज डिफरेंट तो क्या लिखोगे कंपनीज प्रॉपर्टी इज सेपरेट from that of its members
that of its members. Members का property और company का property same नहीं होता, ठीक है ना. Next क्या है, transfer of shares है. अब देखो क्या हम partnership में share को transfer कर सकते हैं? Yes. तो partnership में अगर आप चाहो, मैं partner हटके मैं अगर अपना बेटा को बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ? Yes, बना सकती हूँ. तो partnership का जो share है वो आप easily transfer कर सकते हो. तो transferring of I'm very sorry कंपनी का बोल दिया मैंने. अगर मैं बनाना चाहूं तो मुझे कंसेंट चाहिए ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, शेयरिंग शेयर ऑफ पार्टनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड कैन पार्टनरशिप क्या अरे यार पार्टनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड Only by consent of all the partners. समझ में आया आपको? Only by consent of all partners. Clear? Clear? तो ये easy नहीं है, आपको सबका consent चाहिए. लेकिन company में easy है, वही मैं बोल रही थी. अगर company का share मैंने खरीदा है, अगर मैं किसी को देना चाहूं तो मैं दे सकती हूँ? हाँ, मैं उसको बेच सकती हूँ further. तो share in a company, if listed are easily transferable. उसको आप आराम से transferable ट्रांसफर कर सकते हो. easily transferable होता है, समझ में आया ना. तो liability is limited by share, guarantee, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई. liability is limited. फिर क्या है, property क्या है, joint estate होता है of all the firms. और company का property separate होता है. share of a partnership can be transferred, लेकिन क्या चाहिए, consent चाहिए. और यहाँ पे share of a company easily transferable है, आराम से आप उसको transfer कर सकते हो. और भी दो तीन पॉइंट्स है, जल्दी से देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है आपका. ओके अब नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट. अच्छा ये बताओ, आप अगर सपोज एक शेयर है, रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो, क्या रिलायंस के डे टू डे एक्टिविटीज में आप क्या इन्वॉल्व हो पा रहे हो? क्या उसके मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो पा रहे हो? नहीं ना. लेकिन एक पार्टनर को इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा. तो पार्टनर्स हमेशा इन्वॉल्व हो सकता है हर मैनेजमेंट में. सो पार्टनर्स आर क्या लिखोगे, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में उसको तो आना ही पड़ेगा भाई साहब, है ना. मैनेजमेंट में उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा. लेकिन कंपनी में ऐसा है क्या? नहीं. कंपनी में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, मेंबर्स नहीं. मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ओनली Board of directors are entitled to participate. सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इंटाइटल होते हैं टू पार्टिसिपेट. समझ में आया, याद हो गया. देखो कंपनी आपको याद है, कंपनीज एक्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है. बस जो जो कंपनी है ना, वही वही पार्टनर्स नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है बस. तो कंपनी का अगर आपको याद है सब कुछ, तो पार्टनर का ऑपोजिट है ना भाई साहब, इजी. नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन. अरे रजिस्ट्रेशन तो अभी मैंने आपको बोला, आप मन मन में बोल रहे होगे हाँ मैम याद आ रहा है. पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है. पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी राइट. लेकिन कंपनी में तो करना बहुत जरूरी है. तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आपको पूरा एकदम फॉर्मेट से पूरा कंपनी बनाना पड़ता है, ठीक है ना. लॉ उसको क्रिएट करती है, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. पूरा अच्छे से आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा, आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी बनेगी. और क्या है, वाइंडिंग अप, जल्दी से देख लेते हैं. और फ्यू पॉइंट्स और है, आई होप आपको इजी लग रहा है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू मैनेजमेंट, है ना, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू मैनेजमेंट. इसमें क्या है, मेंबर्स आपका डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रजिस्ट्रेशन आपका नॉट कंपल्सरी है, और यहां पे रजिस्ट्रेशन आपका कंपल्सरी है, है ना. तो ये अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट्स भी अगर देख के जाओगे, तो आप आराम से इन योर ओन वर्ड्स लिख सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन एज सच नहीं आता इतना बड़ा बड़ा कि पूरा डिफरेंसेस लिखो बैठ के, बट स्टिल हम कुछ भी क्लास 11-12 नहीं है कि हम कुछ भी छोड़ के जा सके.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लीज देखो, वाइंडिंग अप करना. तो अब बताओ पार्टनरशिप, अब मैंने आपको कंपनीज ने पढ़ाया था ना एक चीज कि कंपनी को कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है. तो उसको खत्म भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा, बताया था ना मैंने. लेकिन पार्टनरशिप को क्या लॉ क्रिएट करता है, नहीं. पार्टनरशिप को क्रिएट करने वाला कौन, पार्टनर्स. तो उसको खत्म करने वाला कौन, पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप में क्या लिखोगे आप, पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ पार्टनर्स अग्री. अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, तो वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, कभी भी आप बंद कर सकते हो. लेकिन कंपनी में क्या है, वाइंडिंग अप इज ओनली पॉसिबल, कंपनी इज अ लीगल पर्सन. तो इसीलिए क्या होगा, उसको वाइंड अप कौन करेगा. वाइंड अप कैन बी डन ईदर बाय NCLT, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना. NCLT करेगा या तो, और या तो बाय स्ट्राइकिंग ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार. रजिस्टर में से नेम को हटा दोगे अगर, तो फिर आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया. नेक्स्ट क्या है, इसका कितना मेंबर्स होने चाहिए. अच्छा एक बताओ, पार्टनरशिप में आपका मिनिमम मेंबर कितना है, पार्टनरशिप में आपका मिनिमम 2 चाहिए, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 50 है. याद रखना, पार्टनरशिप में आपको मिनिमम 2 चाहिए और आपका मैक्सिमम कितना है, 50 है, ठीक है ना. लेकिन कंपनी में हमने किया था, कंपनी में अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम कितना है, मिनिमम 2 है, और अगर पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक में मिनिमम कितना था, मिनिमम 7 था, और पार्टनरशिप में प्राइवेट में मैक्सिमम कितना था, 200 था, और पब्लिक में मैक्सिमम कितना था, इन्फिनिटी था, याद है. तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी. और एग्जिस्टेंस, अच्छा एग्जिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी का मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेंबर रहे नहीं रहे मैटर नहीं करता, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी तो चलती रहेगी भाई साहब, याद है, कंपनी तो चलती रहेगी. कोई आए, कोई जाए, कोई मर जाए, कोई डजंट मैटर, लॉ ने उसको क्रिएट किया है तो कंपनी चलती रहेगी. लेकिन क्या पार्टनरशिप के साथ ऐसा है क्या, नहीं. अगर पार्टनर मर जाए, या पार्टनर ने डिसाइड कर लिया बंद करने का, या पार्टनर चला जाता है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब वो खत्म हो जाता है. मतलब पार्टनरशिप का वजूद उसके पार्टनर से ही है. तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं लिखेंगे, नो परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस, कोई कंटिन्यूअस रहता है क्या, नहीं रहता. नो परपेचुअल सक्सेशन. अगर पार्टनर्स ना नहीं रहते तो खत्म, कंपनी और पार्टनरशिप भी आपकी खत्म हो जाती है. तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, गेट्स डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स अग्रीड. यहाँ पे मिनिमम आपका 2 है, मैक्सिमम आपका 50 है, और यहाँ पे नो परपेचुअल सक्सेशन, राइट. लेकिन कंपनी में क्या है, इज अ लीगल पर्सन, तो इसको वाउंड अप कौन कर सकता है, सिर्फ एनसीएलटी, या फिर आपको रजिस्टर से नाम हटाना पड़ेगा तब. और इसमें प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है, और पब्लिक में 7 है और इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आपका परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है. तो देखो इतने सारे पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे, मैम इतना पॉइंट्स है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा, आई एम होपिंग दैट, है ना, आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा. चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन फर्दर. थोड़ा सा और करें क्या, या फिर लेट्स लीव इट फॉर टुडे. आई थिंक आई हैव टू लीव इट फॉर टूडे बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा क्लास चला गया. तो ओके, तो आज के लिए इतना ही, ओवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास आपका यूनिट 1, आई विल बी डन विथ यूनिट 1, ओके. नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 1 फिनिश कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन कॉमेंट एंड आस्क मी. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द नोट्स. थैंक यू सो मच एवरी वन. इट वॉज वेरी 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 नाइस हैविंग यू ऑल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.